आप सब आशा करता हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की जो वैकेंसी आई हुई है उसके सिलेबस के बारे में और सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होता है इस वीडियो में हम देखेंगे। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट है उसके बारे में प्रीवियसली भी मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको आई बटन पर मिल जाएगा। उस वीडियो में मैंने सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट के जो वैकेंसी है उसके बारे में पूरी डिटेल्स के साथ बताया है। इस वीडियो में हम सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इस जॉब के ओवरव्यू देख लीजिए। यहाँ पर ये जो वैकेंसी है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की वैकेंसी है, टोटल 210 पोस्ट पे आई हुई थी वैकेंसी, जिसके लिए बैचलर्स डिग्री एलिजिबल है, जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी इसके अप्लीकेशन चालू है, आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इसके सैलरी की बात करते हैं। इस जॉब में आपको 35,400 बेसिक पे मिलता है, 63,068 रुपये आपको सैलरी जो है वो एचआर हर चीज मिलाकर अप्रोक्सीमेट ग्रॉस सैलरी इन हैंड आपको इतना मिलता है 4200 ग्रेड पे। आइए अब हम मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। दोस्तों, यहाँ तक अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बात करें दोस्तों अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की, तो टोटल 4 स्टेप है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेप 1 प्रीलिम्स एग्जाम, स्टेप 2 टाइपिंग टेस्ट, स्टेप 3 आपका एक डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता है, स्टेप 4 आपका उसके बाद इंटरव्यू होता है। तो ये चारों जो स्टेप है, स्टेप वाइज स्टेप हम देखेंगे हर एक चीज़ों को किस तरह से इसमें लिया जाता है। चलिए सबसे पहले जो स्टेप 1 है प्रीलिम्स एग्जाम, उसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये जो प्रीलिम्स एग्जाम होगा इसमें से इंग्लिश 50 नंबर के पूछे जाएंगे, 50 क्वेश्चन होंगे। जनरल एप्टीट्यूड यानी कि मैथ और रीजनिंग दोनों मिलाकर 25 नंबर के पूछे जाते हैं, 25 मार्क्स के होंगे। जनरल नॉलेज आपके 25 मार्क्स के होंगे, 25 क्वेश्चन यहाँ से भी आएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज से आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल जो होगा आपका 125 क्वेश्चन होगा और 125 मार्क्स के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके लिए समय जो दिया जाएगा आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और ये यहाँ पर निगेटिव मार्किंग भी आपका 1/4 होने वाला है। नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ टाइपिंग टेस्ट के बारे में। टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, ठीक है, इंग्लिश में ही केवल होगा, हिंदी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर मिनिमम जो आपका स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, यानी कि 10 मिनट का ये टाइपिंग टेस्ट होगा, जिसमें कि 35 वर्ड पर मिनट से देखें तो आपको 350 वर्ड्स जो है वो लिखने पड़ेंगे, जिसमें कि 3% आप इरर कर सकते हैं, यानी कि 10 से 11 वर्ड तक आप केवल और केवल इरर कर सकते हैं। इसके ज़्यादा इरर आपका इस टाइपिंग टेस्ट में आप फेल कर जाओगे, तो इसके लिए प्रैक्टिस आप अभी से शुरू कर दो अगर आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर रहे हो तो। आगे बात करते हैं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम की। जो डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा आपका, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज पूछा जाएगा, प्रिसीज राइटिंग दिया जाएगा, एसे राइटिंग दिया जाएगा, और ये भी लगभग लगभग 2 घंटे का ये एग्जाम होता है, ठीक है। तो ये डिस्क्रिप्टिव का हो गया आपका। आगे जब ये तीनों स्टेप आप क्लियर कर लेंगे तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है, और इंटरव्यू में आपको फिर क्वालिफाइंग टेस्ट देने के बाद जो आपने दिया है, आपने जो टाइपिंग टेस्ट दिया है, सभी के बाद इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, और फिर वहाँ से कुछ मार्क्स दिए जाते हैं इंटरव्यू में। वैसे इंटरव्यू के अभी कितने मार्क्स हैं ये क्लियर नहीं किया गया है, ठीक है, क्लियर नहीं किया गया है, लेकिन ड्यू द कोर्स ऑफ टाइम आपको पता चल जाएगा कि आपका इंटरव्यू कितने मार्क्स का होने वाला है। अगर आप इंटरव्यू भी क्लियर ले जाते हैं तब आपका जाकर जॉब यहाँ पर लगेगा। तो कुछ इस तरह से आपका सिलेक्शन प्रोसेस जो है इसका होने वाला है। आशा करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। अब मैं बात करता हूँ कि जो टॉपिक वाइज आपके एग्जाम है उसमें कौन कौन से सवाल पूछे जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देख सकते हैं यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक्स स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इनको आप कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। रीजनिंग में, चूंकि रीजनिंग में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अभी मैंने एक सुप्रीम कोर्ट जूनियर कोर्ट असिस्टेंट की 2017 में जो वैकेंसी आई हुई थी, 2017 के पेपर को भी एनालाइज किया है, डिस्कशन किया है, नेक्स्ट वीडियो में वो जल्द ही आएगी, तो हमारे चैनल पर आप बने रहिएगा, तभी आप उस वीडियो को देख पाइएगा। रीजनिंग के बाद यहाँ पर देखिए ये जनरल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक है, जहाँ पर आपको क्या क्या पढ़ना चाहिए,
जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो गया, कल्चर हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करेंट अफेयर्स हो गया, जनरल साइंस, गवर्नर्स इन इंडिया, इंडियन सन, नेबरिंग कंट्री, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो गए, कंट्रीज, कैपिटल एंड करेंसी हो गया। ये सारा जो टॉपिक है आपका जनरल अवेयरनेस से इम्पोर्टेंट है, तो ये सारे टॉपिक्स को आपको करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। आगे बात करते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, जो मैथ्स का टॉपिक है, कुल इतने मैथ्स के टॉपिक है सारे, जिसमें कि नंबर थ्योरी आ जाता है, नंबर सिस्टम आ जाता है, एमसीएम, एचसीएफ है, एरिया है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, अलजेब्रा है, प्रॉब्लम्स ऑन एज है, एवरेज है, मीन मीडियन मोड है, बूट प्रॉब्लम है, चेन रूल है, मिक्सचर एलिगेशन है, डिस्काउंट है, गेम्स एंड रेसेज है, हाइट एंड डिस्टेंस है, इनइक्वालिटी है, लीनियर इक्वेशन है, लॉगरिथम है, ये सारा जो टॉपिक है, वर्क एंड वेजेज, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, ये सारे से आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि इसमें 25 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोनों रीजनिंग और मैथ मिलाकर, तो हो सकता है इनमें से कुछ ही सवाल पूछे जाए, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपका ये सारे जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया, सेंटेंस करेक्शन, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, सिनोनिम, एंटोनिम, स्पेलिंग टेस्ट, क्लोज टेस्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडियम्स एंड फ्रेजेज, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं इंग्लिश में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंग्लिश में आपके 50 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ये आप अच्छे से करके जाइए। 50 मार्क्स में जो मैं दोस्तों बताऊँ आपको, 10 मार्क्स के तो आपके पैसेज हो जाएंगे, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन एंड पैसेज 10 मार्क्स के पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, जैसा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया गया है, 10 नंबर के आपके पैसेज होंगे, 2 आपके कॉम्प्रिहेंशन पैसेज यहाँ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके 5 आइडियम्स एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद 5 आपके वोकैब से क्वेश्चन आएंगे, 5 आपके फिल इन द ब्लैंक्स आ रहे हैं, ठीक है, 5 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ रहा है, तो कुछ इस तरह से आपके टॉपिक से पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, जो कि आपको नेक्स्ट जो वीडियो प्रीवियस ये क्वेश्चन पेपर की आ रही है वहां से आप देख सकते हैं, वो वीडियो देखना आप मत भूलिएगा, वहां से सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। तो ये सारी डिस्कशन थी हमारी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर। आप सिलेक्शन प्रोसेस पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कि सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहला जो आपका पड़ाव है वह है प्रीलिम्स टेस्ट। तो प्रीलिम्स टेस्ट में आप बहुत ही अच्छा करेंगे तभी आप इस जॉब को ले पाएंगे, क्योंकि वैकेंसी ज़्यादा नहीं है, केवल 210 ही वैकेंसी है, और इसके लिए जो है अप्लीकेशन बहुत ही ज़्यादा जाएगा, आप ऐसा देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो जॉब है बहुत ही लुक्रेटिव जॉब है, लगभग लगभग 63,000 के आसपास आपकी सैलरी है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट इस फॉर्म को फिल करेंगे, और यहाँ पर कंपटीशन आपका बहुत हाई होने वाला है। ज़्यादा आप कोशिश करिए इंग्लिश पे फोकस करने का और कंप्यूटर नॉलेज पे फोकस करने का, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश आप अच्छे से करेंगे, सबसे ज़्यादा इंग्लिश पूछे जा रहे हैं, तो इंग्लिश आपके अच्छे हो जाएंगे, और कंप्यूटर नॉलेज में बहुत सारे कैंडिडेट लैग कर जाते हैं, तो यहाँ पर अगर आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं कंप्यूटर में तो आप एक अच्छी तैयारी मानी जाएगी। उसके बाद आपका जनरल एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, ये भी आपको करना चाहिए अच्छे से। वैसे तो मेरा ख्याल है कि सभी आपको अच्छे से कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी एग्जाम में भी बहुत टाइम है, तो इस तरह से आप सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ ही टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सीनियर जो ये सारी सुप्रीम कोर्ट की वैकेंसी है और भी जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं उनके अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। साथ में स्टडी मटेरियल जैसे कि करंट अफेयर्स इत्यादि आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डेली प्रोवाइड कराया जाता है, तो जुड़ जाइए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।